हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे तो अभी मैं चर्च जाने के लिए तैयार होने लगी हूँ। अभी जो है मैं तैयार हो गई हूँ और अब बस एयरिंग्स पहनते हैं और चलते हैं। ये वाले जो है मैं एयरिंग्स पहन तो जल्दी जल्दी पहन लेते हैं। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ तो बस चलते हैं चर्च। दुपट्टा मैंने दुपट्टा एक दफ़ा सेट कर लेते हैं। जूती में ये पहन के जाने लगी थी। जूती पहनते हैं जो पाँव देख ले इसको अपनी जगह पे रखाते हैं जूती को और मेरा पाँव गंदा हो जाना है। चलते हैं अपनी बाइबल उठाते हैं और चलते हैं। तो अभी हम लोग जो चर्च से वापस आ गए हैं और ये अमेलिया जो है इधर लेट गई है क्योंकि अमेलिया को चोट लगी है। कल ये गिरी है साइकिल से। दिखाओ किधर चोट लगी है उनको। दिखाओ इधर चोट लगी है। देखा अमेलिया तो बहुत बहादुर है। अमेलिया तो रोई भी नहीं थी है ना। थोड़ा सा रोई थी पैसे ले वे फिर रोई थी जब हाँ इधर देखो ना पैसे दे दी थी लेके आई फिर चुप हो गई। तो फिर आप तो फ्रॉड कर रही थी। फिर आप फ्रॉड कर रही थी आप ये दिया सिमरन है जो स्कूटी चला रही है अपनी और टीचर बनी हुई है। टीचर बनी हुई टीचर खाजू मैं आपको उम्मा तो काटो चो इधर थैंक यू। चलो मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए पहले नाश्ता बनाते हैं और फिर खाना बनाएंगे ठीक है। नहीं क्यों आपने नाश्ता कर लिया मैंने नहीं किया था। मैं छत पर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी के लिए एक दफ़ा उनको देखो और जो है ना हमारा एक मुर्गे की और एक मुर्गी की जो है वो डेथ हो गई है। तो अब मुझे मैंने आपको चूची दिखाई थी उसकी भी और हमारा एक मुर्गा ठीक ठाक था उसको पता नहीं क्या हुआ उसकी भी डेथ हो गई है। और बाकी शुक्र है खुदा का सारी ठीक है खा पी रही हैं खुश बाश हैं और अंडा तो कोई नहीं पड़ा हुआ मुझे मैंने मेरा वैसे ही चक्कर लग गया ऊपर का। चलो इनको देख लिया अब चलते हैं वापस नीचे क्योंकि किचन में वो काम हो रहा है तो मैं किचन में जा नहीं सकती। अभी किचन में ना हम लोगों की जो मशीन का स्टेबलाइज़र है ना उसका जो स्विच था वो ख़राब हो गया था तो वो जो है अभी सही हो रहा है। और ये मैं दुपट्टा मुँह के ऊपर आ रहा है हाँ मैंने धूप की वजह से किया तो वो स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया था
वो अंकल लगाने आए। अभी हमने जो था थ्री फेस पे जो था वो फ्रिज लगाई हुई थी, हाँ, तो अभी वो जो है डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो करने लगे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, गर्मी बहुत है वैसे। नीचे से जाने, नीचे जाने से पहले मैंने अभी बैंगन बैंगन देखे हैं तो वो बहुत अच्छे हो गए, बड़े बड़े हो गए। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये लगे हुए हैं और ये लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं दो बैंगन, ये लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं और इस पौधे को भी लगे हुए हैं, ये और ये पता नहीं अब नज़र आ रही है नहीं, क्योंकि धूप इतनी है, मुझे खुद फोन में कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये लगे हुए इधर, इधर नीचे लगा हुआ है, ये तो सही बड़ा हो गया, ये देखिए। और बाकियों पे भी फूल लग रहे हैं, बहुत गर्मी है पर मैं तो जाने लगी नीचे, चलते हैं नीचे। क्या कर रही हो तीनों? हेलो कर दो, मारे बाय बाय कर दो, ऐसे कर दो, आप भी ऐसे कर दो, हेलो आप भी कर दो, नूनी शेरून गिरना नहीं, अच्छा चोट नहीं लगवा लेना, ठीक है ठीक है। ओके ओके यार, ये दिया सिमरन, अभी यहाँ पे जो है मैंने नाश्ता कर लिया था और साथ में रख दिया आइए गोश्त, आलू गोश्त। तो मैं जो है इसको मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 10 से 15 मिनट जो है मैंने गोश्त को जो है वो भुना है और अब ये तकरीबन आधा तो पक ही चुका है। तब मैं इसके अंदर जो है आलू ऐड कर देती हूँ साथ। हाँ मैंने डाली है, मैं अभी धो के रख दी हूँ। नींबू का मैं कह रही हूँ वो मैं निकाल लूँ, जूस निकाल के ना रखूँ, जल्दी खराब हो जाते हैं, करारा डाल है नींबू का रस निकाल के ना रखूँ। ओ बाजी जो मैं पूछ रही हूँ, अब मैंने आलू डाल दिए, जल्दी करें फिर रोटी निकाल दूँ आपको, इसमें से अम्मी को निकाल देते हैं, भुनी हुई रोटी की तरह हड्डी वाली है ना, दूसरी निकाल करके ठीक है। और मैं जो आलू भी हैं इनको भी बाकी थक गई, दो तीन मिनट जो है तो वो भूनूंगी और फिर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और साथ साथ मैं अभी तड़का जो है वो साथ साथ जो है मैं एक मिनट पहले भी चेक कर लूँ, मटर है मैंने तो वैसे मटर रखे तो हुए थे, ये मटर फ्रीज में पड़े हैं, इनको जो है ना इनके चावल बना लेते हैं, चावल भी निकाल लेते हैं इनको रखती हूँ, थोड़ा लाइट कम है उसके लिए सॉरी। अभी जो है मैंने ये यहाँ पे कुकर बंद कर रख दिया, यहाँ पे जो चावल है उनको तड़का लगा के सॉरी तड़का लगा दिए। तो अब मैं जो है ये जो टमाटर है और ये मेरे थोड़ी ये इसमें है थूम और ये सारा कुछ, इसको मैं साफ करके जो है ना जो है मैंने धो लिया
इनके जो है मैं वो जूस निकाल के बोतल में डाल के रख लूँगी, रस मतलब के निकाल के। इनको फ्रीज करना है, इसको साफ़ करना है वापस, मतलब कि वो चटनी बनानी है। ये जो है मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी, और ये जो है मैंने इनका जो है ना वो पेस्ट बनाना है, मतलब कि जो मैं जिसमें सबसे ज़्यादा ढीली हूँ बनाने के लिए पेस्ट बनाना है ना, तो आधी मैं उसमें डालूँगी और आधी जो है मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। इसमें नहीं रखूँगी प्लेट में, प्लेट में क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इनको टोकरी में रखूँगी, इसलिए मैंने इनकी जो डंडियाँ थी वो उतार ली हैं। और ये धनिया थोड़ा सा निकला इसकी, ये तो मैं अभी सालन में डालूँगी चटनी के लिए जो है। तुम्हें ऊपर सो के उठी थी 5 बजे, खाना वगैरह अभी खाया, शाम दोपहर का मैंने खाया अभी। तो अभी मैंने जो है ये फ्रीज़र में से ये स्ट्रॉबेरीज निकाली हैं ठंडी ठंडी, गला ख़राब ना हो जाए बाकी खैर है, क्योंकि कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। अभी मेरी जो स्टॉक है, मेरा दराज जो है वो खाली हुआ है, तो वो भी भरते हैं आज। स्ट्रॉबेरी खाते खाते साथ में मुर्गियों के लिए पालक भी काट लेते हैं जल्दी जल्दी। मोटी मोटी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि उनको ही डाली, हमने कौन सी पकानी है। और अभी जब मैं जाऊँगी तो वो जंगली होंगी। जो है अपनी स्ट्रॉबेरी का और हाफ कर दो कर दो। और ये पलट के रखे इसको, ये मैं इनके लिए कुछ लाई हूँ, इनकी हालत चेक करें। मुझे रास्ता तो दो, डाल दी चल। डालने भी नहीं देती है, उसके ऊपर गिर गई है, खुद ही हो जाएगी साफ। अभी जो है मैंने इनको पलक डाल दी और ये बिजी हो चुकी है, तो मैं भी इनके पास ही बैठ के उछ अपनी स्ट्रॉबेरी खा लेती हूँ और चुड़ियों को देखती हूँ। अभी जो है मैंने ये कुकर में जो है वो कबाब रखे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो सालन है वो मतलब कि मैंने जो सालन बनाया था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर अम्मी ने सुबह नाश्ता करना होता है। तो मैंने कहा जो कबाब है वैसे भी मैंने बनाने थे, मैंने कहा चलो इनको ऊपर रख देते हैं। और जिस काम में मैं सबसे ज़्यादा लेजी हूँ अभी वो करने लगी, अभी भी मेरा दिल करने का दिल नहीं कर रहा, पर जो है मैंने पेस्ट बना के रखना है अदरक लहसुन का और सब्ज मिर्चों का। सब्ज मिर्ची मैंने आपके सामने तभी साफ़ कर ली थी, और ये लहसुन भी मैंने छील लिया था शाम को उठ के सो के। आप अदरक छीलिए और मुझे मौत आ रही है, तो छीलते हैं। और फिर मैंने अपनी जो मल्टी वाइटमिन वो लेनी है, क्योंकि आज मुझे दिन में याद ही नहीं रही लेनी, तो वो लेके फिर सो जाऊंगी। और अभी जो है मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और पीछे अभी भी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर तक धोती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ जो है वो बाकी काम भी कर रही हूँ, मतलब कि अम्मी को रोटी बना के दी, ये साथ रखा, फिर मैंने अभी साथ पेस्ट बनाऊँगी, फिर उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद जूस बनाऊँगी, तो वो साथ साथ जो काम है ना वो चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना किचन में अभी भी थोड़ा थोड़ा गंदा है, पर मैं इसको साफ़ करके ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं वो मिलती है यूँ, तो इसके लिए। तो हाँ, अपनी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।